हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैंने अभी रियनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट किया है और जहां पर मैंने नेबरहुड है, इंटीरियर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है एंड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने रियनालिसिस पर अपलोड किए। तो यहाँ जो आईटी बार है यहाँ पर जाके आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस थ्योरम इज नॉन एज हैन बोरेल थ्योरम और हैन बोरेल थ्योरम का एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक प्रूफ होता है जो आता रहता है। तो इसको हम कैसे करते हैं ये मैं आपके सामने बताऊंगा। पर सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हैन बोरेल थ्योरम होती है ये कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर होती है। अगर कोई भी सेट है और इंटरवल दोनों पे होती है, अगर कोई सेट है जो क्लोज है एंड बाउंडेड है तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। क्लियर है? और इससे पहले मैंने आपको ओपन कवर के बारे में प्लस कनेक्टेड प्लस कॉम्पैक्ट सेट ये मैं बता चुका हूँ मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आई टेप पे जाके एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये समझ में आएगा। राइट, तो इसमें देखते हैं हैन बोरेल थ्योरम क्या बोलती है। राइट, सो हैन बोरेल थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। ये थ्योरम ये बोलती है कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट एस ऑफ ए रियल नंबर कंटेन फाइनाइट सब कवर। इसमें हमारे पास जो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन होती थी उसमें यही था कि एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। राइट, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। क्लियर है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है और इसको ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट, दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट है। मैंने एक लिखा है, दूसरा समझ लीजिए यहां पे कि कोई भी अगर हमारे पास सेट जो है क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। क्लियर है? अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसमें ये लेके चलेंगे गिवन एस इज अ बाउंडेड सेट, हम ये लेके चलेंगे कि जो सेट है वो बाउंडेड है एंड क्लोज्ड है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा, जो एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें यही प्रूव करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट एस इज बाउंडेड सेट, है ना। अब ये बाउंडेड सेट है तो हमने मान लिया कि ये सेट जो है ये इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या कर रहा है, ये ए बी का सबसेट है। राइट, नाउ विल डिस्कस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। इस क्लोज इंटरवल ए बी में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक ओपन जो इंटरवल है इसका हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया, है ना, ए आई वेर सच दैट आई बिलोंग्स टू एन विद द ओपन कवर ऑफ ए बी। इस क्लोज इंटरवल का ओपन कवर है, है ना, जो कि इस पूरे क्लोज इंटरवल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब दिस ए बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए आई। नाउ इफ पॉसिबल सपोज सी हैज नो फाइनाइट सब। अब हम ये लेके चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? जो इस क्लोज इंटरवल को क्या करे, कवर करे। क्लियर है? अब हम ये प्रूव कर देंगे कि हम इसका कॉन्ट्रोडक्शन लेके आएंगे यहाँ पे। क्लियर है? हम ये लेके चल रहे हैं कि इसका फाइनाइट सब कवर नहीं है। राइट, और हम लास्ट में लेके आ जाएंगे कॉन्ट्रोडक्शन की, भैया ये गलत स्टेटमेंट है ना, मतलब इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, है ना, और हम प्रूव कर देंगे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हम लेके चले। तो इफ पॉसिबल सपोज सी हैज नो फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस ए बी। नाउ अब मान ली कि अगर ये इंटरवल ए बी है, है ना, तो इस इंटरवल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना, ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। सो ए प्लस बी बाई टू, एक इसका मिड पॉइंट लेते हैं ए वन, है ना, जो हमने इस तरह से लिया, इस क्लोज इंटरवल का हमने मिड पॉइंट लिया यहाँ पे। क्लियर है? क्लोज इंटरवल का एक मिड पॉइंट लिया हमने यहाँ पे। राइट, ए बी और ये बीच में ए वन ले लिया। अब हमने दो इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया, एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये हो गया। क्लियर? हमने दो इंटरवल में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ देयर विल नो एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर इन सी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल। अब हमें ये देखना है कि चलो ठीक है यार, इसको कोई फाइनाइट सब कवर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मान लीजिए ये वाला इंटरवल ऐसा है जिसको कोई फाइनाइट सब कवर कवर नहीं कर रहा। राइट, देयर विल बी नो एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर इन सी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल दिस। इन दोनों में से कोई किसी एक इंटरवल को फाइनाइट सब कवर क्या कर रहा है, कवर नहीं कर रहा है। राइट, तो मान लीजिए वो इंटरवल ये वाला है ना, ए से ए वन वाला है ना। तो अब ए से ए वन वाला है तो इसको हम आई टू मान लेंगे और इसको इसको ले लेंगे ए टू, बी टू एक इंटरवल मान लेंगे। फिर इसको वापस ब्रेक करेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा ए थ्री। क्लियर है? फिर हम दो इंटरवल ले लेंगे, एक ये लेंगे एक लेंगे। फिर हम बोलेंगे कि चलो इसको फाइनाइट सब कवर कवर कर रहा है, मान लीजिए इसको नहीं कर रहा, फिर इसको वापस ब्रेक करेंगे। तो ऐसे हमारे पास इंटरवल को हम क्या करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे और वो वाला इंटरवल लेंगे जिसको फाइनाइट सब कवर कवर नहीं कर रहा है। राइट, है ना। सो डिनोट दिस इंटरवल आई टू, ए टू बी टू ले लेंगे। नाउ देयर देयर नो फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस इन दिस सी आर। राइट, नाउ रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल, है ना। ऐसे हमारे पास छोटे छोटे इंटरवल की क्या मिल जाएगी, हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी, है ना, इस टाइप की आई एन आई जीरो सबसेट ऑफ आई वन सबसेट ऑफ आई टू सबसेट ऑफ आई थ्री। राइट, इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगी, सब सीक्वेंस मिल जाएगी। राइट, है ना, सीक्वेंस मिल जाएगी। राइट, ये बड़ा इंटरवल से छोटा इंटरवल से छोटा इंटरवल, इस तरह से। राइट, इन विच नो फाइनाइट कवर ऑफ एनी इंटरवल एग्जिस्ट इन सी। मतलब हम वो इंटरवल लेंगे जिसमें कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है?
अब बात करेंगे यहाँ पे। अब क्लियरली हमें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इंटरवल ऐसा आएगा, है ना, अल्टीमेटली जो एन इंटरवल होगा, आई एन इंटरवल होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए अपॉन टू पावर एन होगा, राइट। हम लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करें, है ना, क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट इंटरवल होगा उसकी लेंथ होगी बी माइनस ए बाई टू, सेकंड इंटरवल की होगी बी माइनस ए बाई टू पावर टू, है ना, इस तरह से हमारे पास मिल जाएगी। और हम जानते हैं एन टेंस टू इन्फाइनिट पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। मतलब ये जैसे ही हम इंटरवल को ब्रेक करते जा रहे हैं, अंदर लिखते जा रहे हैं, तो जो लास्ट इंटरवल रहेगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, मतलब जीरो हो जाएगा वहाँ पे, है ना, बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। स्टूडेंट यहाँ पे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम होती है, और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से हमारे पास ये आता है कि कोई भी हमारे पास इस टाइप के जो इंटरवल्स हैं, जो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, प्लस उनका जो एन टेंस टू इन्फाइनिट पे उनका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, आई एन का जीरो आ रहा है ना, By nested intersection theorem, there exists any one element in X0, मतलब उसका जो intersection होता है उसमें कम से कम एक element ऐसा exist, X0 क्या करेगा, at least करेगा, मतलब ये कुल मिला के ये non empty होता है ना, उसका intersection क्या होता है, non empty होता है, हम ये कह सकते हैं कम से कम एक element तो यहाँ पे exist करेगा ही करेगा, राइट। अब मान लीजिए मैं इसको वापस रियल लाइन में समझाना चाहता हूँ, ये दो इंटरवल थे, फिर हमने इसको ब्रेक किया, फिर हमने इसको ब्रेक किया, ये छोटे 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 इंटरवल गए, मान लीजिए ये हमारे पास एक्स जीरो एलिमेंट था, राइट। अब इस एक्स जीरो को कवर करने वाला हमारे पास ये आई के वाला जो इंटरवल है, ये कौन सा वाला, आई के इंटरवल है, राइट। तो इसका एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो माइनस एप्सिलॉन और एक्स जीरो प्लस एप्सिलॉन, जब इसका हम नेबरहुड लेंगे, तो ये जो है ये इस आई के अंदर क्या करना, ये आई के जो है इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन कर जाएगा, है ना, मतलब जो लास्ट वाला इंटरवल, लास्ट वाला जो हमारे पास होगा आई के, जो बहुत छोटा इंटरवल है, है ना, जिसकी लेंथ बहुत मतलब एक बहुत छोटा है वो, है ना, वो इस इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, मतलब कंटेन कर रहा है, तो इस इंटरवल को ये ओपन कवर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, तो कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी अ फाइनाइट कवर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द इंटरवल, है ना, मतलब ये जो एक्स जीरो है, ये एक्स जीरो जो छोटा सा इंटरवल है ना, जो इस x0 माइनस एप्सिलॉन प्लस x0 प्लस एप्सिलॉन के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, मतलब ये जो ओपन कवर है ये इस x0 एलिमेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, राइट। मतलब एक फाइनाइट सब कवर यहां पे क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया, जो इस x0 को क्या कर रहा है, कवर कर गया, है ना, कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी अ फाइनाइट कवर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द इंटरवल आईके एन से, सो आवर अजम्पशन इज फॉल्स, जबकि हमने ये सोच का, हमने ये बोला था कि कोई भी ऐसा फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि यहां पे एक कवर एग्जिस्ट कर गया जो इस एलिमेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, बाय द नेस्टेड कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, इसका मतलब और अजम्पशन इज फॉल्स, सो फाइनाइट कवर ऑफ एस इज ऑल्सो इन सी, मतलब यहां पे ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास इंटरवल है जो क्लोज्ड है, अनबाउंडेड है, तो वहां पे एक फाइनाइट सब कवर, एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, क्लियर है। तो यही हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। सो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी ऐसा, सो इन द अबव थ्योरम आल्सो वी कैन स्टेट एज फॉलोज, द एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट, क्लियर है। या हम यहाँ पे क्लोज सेट भी ले सकते हैं, या हम इंटरवेल भी ले सकते हैं, सबके लिए थ्योरम क्या होती है, ट्रू होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और नेक्स्ट जो क्लासेस है वो मैं लेके आने वाला हूँ। अब हर दो दिन में आपको यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा मैथ्स के अंदर, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मेरी आने वाली क्लासेस है उसके अंदर मैं क्या क्या कंटेंट कवर करने वाला हूँ। एक तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में वीडियोज लेके आने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगा यहाँ पे सिक्वेंस एंड सीरीज, और सीरीज में तो मेरे काफ़ी अच्छे वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट में मेरे जो वीडियोज इसमें देख सकते हैं, और सिक्वेंस में मैं लेके आऊँगा, फिर उसके बाद बाउंडेड वेरिएशन है, रिमान इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, बहुत सारी चीजें जो मैं कवर करने वाला हूं, रियलाइज पूरा का पूरा यहां पे आपको मिलने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ, और लास्ट में मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, सुनिए IIT-JAM, CSIR नेट और गेट जो मेरा नया वाला चैनल जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, सुनिए मेरे रियलाइज के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और ये दोनों चैनल है, मेरा नया चैनल जिसमें अभी काम कर रहा हूँ जहाँ पर IIT-JAM गेट और CSIR नेट के लिए, और ये मेरा चैनल है मैं जिसमें अभी रियलाइज की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।